नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खेजड़ी गांव में बिना किसी भेदभाव के चतुर्दिक विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में खेजड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खेजड़ी गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शहरों से लेकर गांवों तक बिना किसी भेदभाव के चतुर्दिक विकास किया जा रहा है। हमारी सरकार के बेबुनियाद विकास से कोई भी गाँव पूर्व अछूता नहीं रहेगा। उक्त बातें रविवार को ग्राम पंचायत खेजड़ी में विधायक निधि, राज्य सड़क निधि एवं ग्राम पंचायत निधि से कराए गए एक दर्जन से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक संजय यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से चाहे प्रदेश सरकार से जो भी विकास कार्य के लिए धन उपलब्ध हो रहा है उसको 100% विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। आज इसी की देन है कि गांवों में हर मूलभूत सुविधाओं को निरंतर विकास हो रहा है। पूर्व में जो सरकारें थी वो भेदभाव के आधार पर विकास करती थी, साथ ही उन सरकारों में विकास के पैसे की बंदरवाट की जाती है, लेकिन हमारी सरकार विकास के लिए कृत संकल्पित है। ब्लॉक 15 ग्राम पंचायत खेजूरी तहसील सिकंदपुर बलिया। कैसे आपके यहाँ कार्यक्रम था? माननीय विधायक जी के सौजन्य से विकास कार्यों का लोकार्पण का कार्यक्रम ग्राम पंचायत खेजूरी बनसरी हथौच अन्य जगहों पर 15 कार्यों का लोकार्पण माननीय विधायक जी और सांसद जी के सौजन्य से हुआ जी। तो 15 लोकार्पण का लागत कितनी है? लगभग 15 करोड़ जी। ये जो 15 करोड़ है इसमें से आपकी ग्राम सभा में कितने की काम हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा काम लमसम 10 करोड़ से ऊपर मेरे ग्राम पंचायत में पूर्वांचल विकास निधि, राज्य सड़क निधि और ग्राम पंचायत निधि से कार्यों का लोकार्पण माननीय विधायक जी के सहयोग से हुआ जी। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो आपकी ग्राम सभा 15 लोकार्पण जो हुआ है उसमें से क्या क्या कुछ बिंदुओं पर कार्य डाल दीजिए। जैसे दो सामुदायिक शौचालय, श्रीनाथ जी स्मृति गेट का लोकार्पण और RCC रोड का लोकार्पण और RCC कई जगहों को बनाया गया माननीय विधायक जी के निधि के द्वारा और पूर्वांचल विकास निधि से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दो दो का लोकार्पण माननीय विधायक जी के सहयोग से किया गया है जी। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय माननीय विधायक जी को देना चाहता हूं कि उनका हम आजीवन ग्राम पंचायत खेजूरी और अगल बगल के गांव जो कि 20-25 वर्षों से न कहीं जाने का रास्ता था न करने का, तमाम लोग आए गए लेकिन कोई कुछ नहीं पाया। मैंने माननीय विधायक जी से कई आग्रह किया, उन्होंने सभी परियोजनाओं को अपने कार्यों में शामिल करते हुए उस पर पैसा अलाट करा करके पूरे 15 ब्लॉक के कार्यों का हर तरह से समायोजन उन्होंने किया है। इसके लिए मैं विधायक जी का तहे दिल से अपने ग्राम पंचायत खेजूरी की तरफ से आजीवन ऋणी रहेगा और हम लोग हमेशा इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे और इनके कार्यों की अलग सराहना की जाएगी कि पूरे सिकंदरपुर विधानसभा में जितना कार्य अगर 30 वर्षों से नहीं हुआ है उन्होंने बड़ी ही कठिन परिश्रम से सरकार की मंशा अनुसार हर तरह के कार्य किए हैं जी। हम आपसे जानना चाहते हैं इस बजट को लाने के लिए, जैसे सुनने में आपने भी बहुत इसकी प्रयास किया हर दिन रात, इसमें सबको का श्रेय माननीय विधायक जी का जाता कि जब भी लखनऊ से लेकर यहाँ तक हर परियोजना में बुलाकर कहना, उस पर तत्पर होना, हर चीज कराना, ये कार्यों के लिए सबको का श्रेय माननीय विधायक जी को जाता है जिन्होंने इतनी बड़ी परियोजनाओं को करने का श्रेय। इस कार्यक्रम में इसके अलावा भी कोई कोई आया था? हाँ, जिला कार्यकारिणी के सदस्य माधव प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र यादव जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मनीष सिंह पूर्व प्रधान, मनीष सिंह वर्तमान प्रधान पूर्व, चंदन राय वर्तमान प्रधान
हथौज, तमाम तरह के हर जगह के लोग आए थे। हमारे गांव के तमाम हजारों हजारों की संख्या में नौजवान लड़के, तरह तरह के लोग सम्मिलित हुए हमारे यहाँ। कार्यक्रम बहुत इस कार्यक्रम के माध्यम से जी भी आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? संदेशों की हमारे विधायक जी के सौजन्य से जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, उनकी महत्ता, हर चीज विशेषता, वो कार्यों को करने में विश्वास रखते हैं, दिखाने के लिए नहीं है, हर काम को पूरा करा करके आज उन्होंने दिखाया है कि सिकंदरपुर में विकास के नाम पर चहुमुखी विकास करना उनका लक्ष्य है। पूरे विधानसभा में कार्यों की जरूरत, अभी तो हमारे यहाँ लमसम 4-5 करोड़ के कार्य अभी चल रहे हैं उनके, विशहर ग्राम सभा में 4-5 करोड़ की लागत से कई रोडों का कार्य उनका राज्य सड़क निधि से चल रहा है जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आम जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं, गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? गांव को लेकर हमारे गांव का चहुमुखी विकास हो, तत्पर है लोग, हर तरह का कार्य। जैसे अभी आपके कार्यकाल की अवधि खत्म हो गई है, अब जिस तरह आप लगे हैं दिन रात गांव के विकास करने में, सांसद, मंत्री, विधायक जी सबसे लगे हुए हैं, अगर इसके आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में भी सीट के अनुसार अगर जनता पुनः काम पर, तो क्या उसी तरह लगातार लगे रहेंगे? हमको तो लगातार जनता की सेवा करना है, और जनता की सेवा करके जो भी कार्य होंगे उसको हमको करना है। सीट बदले बदले न बदले उससे हमको क्या लेना देना है, हमको तो जनता की सेवा करना है। जो भी सीट होगा, जो बनेगा, उसके साथ हम अपना सहयोग हर चीज करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।